नंबर 9, यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कन्वर्जन. यू कैन कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू द डेसिमल नंबर एंड डेसिमल नंबर टू द बाइनरी नंबर वेरी इजीली. हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास बाइनरी नंबर अवेलेबल है यानी कि 0-1 के फॉर्मेशन से हम इन्हें डेसिमल नंबर से भी कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से. कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल नंबर, यानी कि हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सिंस बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन 2 डिजिट 0 एंड 1, ठीक है. हाँ, जैसे कि हमें बताया गया है जो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है वो 2 डिजिट के बेस के ऊपर है, 0 और 1 के ऊपर. वी टेक 2 एज इट्स बेस. अब 2 को हमें क्या लेना है, इसका बेस लेना है. एनी बाइनरी नंबर हैज़ पोजिशन स्टार्टिंग फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 0 1 0 1.0 1 1. तो इसकी जो पोजिशंस होगी वो कैसे होंगे, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है एज इट इज़ हमने लिखा है, ठीक है. पॉइंट को हमें काउंट नहीं करना है. अब यहाँ पे हम 0th पोजीशन, 1st, 2nd, 3rd, 4th और पॉइंट के बाद वाले जितने भी नंबर है उसे हम नेगेटिव पोजीशन देंगे, यानी कि -1, -2, -3. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको इंक्रीजिंग दोनों साइड से हम पोजीशन को इंक्रीजिंग कर सकते हैं. नंबर 10, सो टू कन्वर्ट 1 0 1 0 1.0 1 1 इन टू डेसिमल नंबर यू हैव टू एड द प्रोडक्ट ऑफ द बाइनरी डिजिट एंड इट्स पोजिशन इज पावर बेस 2 एज शोन इन द फिगर. यानी कि हमें यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करना हो तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है. जो हमारे पास नंबर दिया गया है, जो हमें पोजिशन दी गई है 1 0 1 0 1, जैसे कि आपको बॉक्सेस में दिखाए गए हैं, ठीक है. यहाँ पे हम 1 से इसको स्टार्ट करेंगे तो 1 की पोजिशन सबका जो बेस है वो हमें क्या देना है, 2 लेना है, ठीक है. यानी कि सबको हम 2 बेस दे देंगे. पहले जो हमारे पास नंबर पॉइंट के पहले जो अवेलेबल है वो सारे नंबर्स पहले हम लिख देंगे, ठीक है. यानी कि 1 0 1 0 1, हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, और उसके हमें बेस लेना है. ऊपर आप डिग्री देख सकते हो 0 1 2 3 4, ठीक है. हमें सिंपली इसे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 × 2 पावर हमें इसका 0 है तो वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है. 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा. 1 को 2 के साथ करेंगे, हमारे पास 2 की पावर 4 दी गई है, ठीक है. तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा. 0 के साथ फिर उस नंबर को करेंगे तो 0 आएगा, और 1 × 2 पावर हमें 4 दी गई है. तो 2 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा. 16 + 4 + 1 करेंगे तो हमारे पास जो उसका जो डेसिमल नंबर हमारे पास आएगा वो होगा 21. इस तरीके से हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को भी शो कर सकते हैं, ठीक है. जैसे पॉइंट के बाद के जो नंबर्स हैं 0 1 1, इसे हम क्या करेंगे, रिवर्स में लेंगे 1 1 0. इसके साथ पावर भी हम रिवर्स में लगाएंगे, -1 -2, माने कि नीचे से स्टार्ट होगी पावर. इसे भी सिंपली हमें मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने उसमें किया था, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.375. ये हमारा है डेसिमल नंबर, हमें यहाँ पे कंज्यूम होके मिला है, ठीक है. अब इन दो नंबर्स को हम जोड़ देंगे, इनके पॉइंट के पहले हम 21 लिखेंगे, पॉइंट के बाद लिखेंगे 375, ठीक है. तो ये हमारे पास जो है, इस तरीके से हम इसे कन्वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं. सेकेंड टॉपिक हमारा दिया हुआ है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर, यानी कि हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल से बाइनरी में, ठीक है. हमें यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं. डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 कंटिन्यूसली, हमें 2 से ही क्या करना है, क्योंकि 2 हमारा बेस है, इसलिए हम 2 को ही सबके साथ डिवाइड करेंगे. आफ्टर सच ईच डिवीजन राइट द रिमाइंडर ऑन राइट साइड हैंड साइड, यानी कि इसमें जो रिमाइंडर बचता है वो हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे. अरेंज द रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, हम जिस चीज़ को हमें अरेंज करना है, जैसे कि हमें एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, ठीक है. जैसे कि हम 2 के लिए देख सकते हैं रिमाइंडर जो बच रहा है 1 1 1, ये हम सारी चीज़ें लिख रहे हैं. सेम हमें बी में भी वही चीज़ दी गई है, वो हमें 67 के लिए किया है, हमने 16 के लिए किया है, ठीक है. तो इस तरीके से हम यहाँ पे कन्वर्जन मेथड यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं.